हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बना सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स को हम ग्रेड्स भी कैसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डेटा लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट के नेम है, सीरियल नंबर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स उनके इतने हैं 500 और उनके ऑप्टेन मार्क्स यहाँ से हमने निकाल लिए हैं। ऑप्टेन मार्क्स कैसे निकाले हैं, ये यहाँ से इनको सबको सम कर दिया है। जो भी टोटल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ की जो मार्क्स हैं, उनको सम करके यहाँ पे हमने डेटा निकाल लिया है। और यहाँ से इनका ग्रेडिंग सिस्टम हमें इस टाइप से देना है कि किसी के अबव 90% है तो ए प्लस ग्रेड, अबव 80% है तो ए ग्रेड, अबव 70% है तो बी ग्रेड, अबव 60% है तो सी ग्रेड, अबव और बिलो 60% है तो डी ग्रेड। फिर यहाँ से हमने इसकी स्टूडेंट की काउंटिंग भी करनी है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं इस डेटा के अंदर जिनकी ग्रेड ए प्लस है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये काउंटिंग भी हमने यहाँ पे करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू क्या, ऑप्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स उसके आए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स और एंटर। तो जितने ये 72.8% सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट के आए हैं, अब हम यही फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। तो ये सारे स्टूडेंट्स के इसने परसेंटेज दिखा दिए यहाँ से हमें पूरे पूरे डेटा में से। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू इफ, क्योंकि ये लॉजिकल है। ग्रेड मतलब अबव 90% ए प्लस, अबव 80% ए, तो ये लॉजिकल हमने यहाँ पे करना है। लॉजिकल के लिए हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो ये लॉजिकल टेस्ट क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ दिस, मतलब दिस अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, 90 के, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ है, तो ये एक कंडीशन हो गई, कोमा, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या लगाएंगे, इफ फिर से वही, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन किसके, 80 के, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसको हम ए ग्रेड दे दें, फिर कोमा। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, इफ दिस वैल्यू अगेन ग्रेटर देन क्या, 70, ग्रेटर देन 70, अगर 70 से ज्यादा है तो क्या हो जाए, बी हो जाए, कोमा। फिर एक और लॉजिक, इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 60 से ज्यादा है तो क्या हो जाए, डबल कॉलम के अंदर सी आ जाए, फिर कोमा। अब लास्ट है हमारे पास, लास्ट लॉजिक क्या है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 60, या इसको हम लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 60, 60 या 60 से कम हो तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे डी ग्रेड आ जाए, ब्रैकेट क्लोज। अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन करे हैं वो सारे ब्रैकेट हमने क्लोज करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्रैकेट हमने ओपन किए थे, 5 के 5 ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए इसने यहाँ पे बी ग्रेड दे दी, अबव 70 हमारे पास क्या है, बी है, तो अबव 72 उसकी परसेंटेज आई, तो इसको बी ग्रेड मिल गई। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, तो 87 को ए दे दी, 77 को बी, तो इस सारी ग्रेडिंग सिस्टम इसने कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स को ग्रेड मिल गई है। अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जिनकी ए प्लस ग्रेड आई है, जिनकी ए आई है, जिनकी बी आई है, जिनकी सी आई है, डी आई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है हमें यहाँ पे। तो उसके लिए फॉर्मूला एक्सेल के अंदर क्या होता है, काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ जैसे आप लगाओगे क्या पूछ रहा है, रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ग्रेडिंग, ग्रेड, ग्रेड रेंज है, फिर क्या, कोमा, क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया क्या है, ए प्लस वाले यहां आ जाए, तो ए प्लस ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ए प्लस वाले जीरो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसकी ए प्लस ग्रेड हो, मतलब 90% मार्क्स किसी के भी नहीं होंगे इसके अंदर। अगर हम किसी का 90% मार्क्स कर देते हैं तो यहां से ये एक स्टूडेंट को काउंट कर देगा, ये देखिए एक स्टूडेंट इसने दिखा दिया अपने आप से। पहले मैं इसको क्या करूंगा, इस रेंज को कर दूंगा फ्रीज, F4 से हम इसको फ्रीज कर देते हैं और फिर ये एक फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको A की जगह, A प्लस की जगह A कर देते हैं बस, क्योंकि हमने 80% से अबव वाले स्टूडेंट्स की काउंटिंग यहाँ करनी है तो उनकी ग्रेड A होगी, A को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे करोगे तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी A ग्रेड है, फिर से वही फॉर्मूला कॉपी करो, पेस्ट कर दो और यहां से ए की जगह हम कर देते हैं बी, 17 स्टूडेंट ऐसे जिनकी बी ग्रेड है। अब फिर से वही फॉर्मूला कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, अब यहां से इसको हम कर देते हैं सी, 9 स्टूडेंट ऐसे जिनकी सी ग्रेड है, फिर से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, रीनेम करके यहां से डी, एक स्टूडेंट ऐसा इसकी डी ग्रेड है। तो अब ये टोटल स्टूडेंट हमने एक बार काउंट भी कर लेते हैं, यहाँ से ओल्ट इक्वल टू दबा दो, इनका सम भी आ जाएगा। अब इनको हमने सम करना है, इनको सम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ से इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, ये सारी वैल्यू को सम कर लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्लास के अंदर थे 31। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 31 मतलब डाटा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर एक मार्कशीट बना सकते हैं जिसके अंदर हम परसेंटेज निकालेंगे पहले, फिर उनको ग्रेड्स देंगे और फिर ग्रेड्स के हिसाब से बच्चों को काउंटिंग कर लेंगे कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इनकी ए बी सी या ए प्लस ग्रेड आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।